रियाजुद्दीन। अच्छा, क्या काम करते हो आप? नाइट प्लास्टर मेसनरी का काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने साल से कर रहे हो? 10 साल से कर रहा हूँ। और कहाँ कहाँ गए हो आप? दुबई गया हूँ सर, दुबई के बाद दिल्ली में गया हूँ, मुंबई भी गया हूँ सर। अच्छा, दिल्ली। और एचआर के बारे में किसने बताया? क्लाइंट ने सब बताया। अच्छा, नहीं, एचआर के बारे में और आपके घर वाले या और आपके मोहल्ले वाले में किसी ने बताया एचआर का नाम आपको कि एचआर अच्छी कंसल्टेंसी है, वहाँ से जाओ? हाँ सर, बताया। अच्छा, तो ये पहली बार आओ एचआर में आप या इससे पहले भी जा चुके हैं? पहले दुबई में सर। दुबई में गए थे, एचआर से ही गए थे? अच्छा अच्छा, सप्लाई कंपनी। तो एचआर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ पे आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैंने देखा कि आप टेस्ट दे रहे थे, तो कितना आपको पूरा काम आता है? तो एचआर में जो है आपको, अब अगर आप चले जाते हो यहाँ से, तो आगे चल के आप किसी और को सजेस्ट करोगे एचआर से जाने के लिए? और अच्छा, एचआर की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? कुछ एक होता है ना, सबसे बेस्ट चीज़ आपको जब आप आए होगे एचआर के अंदर, तो आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? बेस्ट चीज़ तो यही लगा, पहले आए, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं हम सर। अच्छा, पहली बार दे रहे हैं सर। तो और जैसे कंसल्टेंसी का आपने सुना होगा कि फ्रॉड करता है और कोई चीटिंग करता है, पैसे ले लेते हैं वापस नहीं करते, छोटी कंसल्टेंसी होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो इस सब के बारे में क्या कहोगे एचआर के बारे में? इस तरह का कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ किसी के साथ? आपके कोई जान पहचान के किसी ने बताया हो कि एचआर ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना? मतलब आपको जो भी रिस्पांस मिला है वो पॉजिटिव मिला है, इसलिए आप एचआर में आए? अच्छा, अब यहाँ से आप जाते हो, आपका हो जाता है, तो आगे लोगों को बताओगे एचआर के बारे में? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।